आपल्या देशात एकाच पक्षाने 65 वर्षापेक्षा जास्त सत्ता उपभोगली, मात्र या पक्षाने जम्मू आणि काश्मीर येथील जनतेला कधीही सन्मानाने जगता यावं म्हणून प्रयत्न केले नाहीत, अशी घणाघाती टीका भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं यावेळी त्यांनी कौतुक केलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरच्या जनतेला सन्मानाने जगता येऊ म्हणून अनुच्छेद 370 रद्द केलं, यामुळे काश्मीरी जनतेत आनंदाचं वातावरण आहे, तेथील भागाचा विकास होणार आहे, असेही नड्डा यांनी स्पष्ट केलंय. जम्मू काश्मीर के धारा 370 और 35A इसके बारे में चर्चा करने के लिए और आप सबके साथ मिलकर के इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका सही आकलन हो सके, सही तरीके से हम समझ सके, इसकी कोशिश को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है. जो मैं जैसे कह रहा हूँ कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड आप सब लोग आए हैं, यह इस विषय की रोचकता को भी बताता है और आपका इसके प्रति समर्पण, इस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का समर्थन यह भी दिखाता है. मैं कोशिश करूंगा कि धारा 370 के बारे में जो विषय आए हैं उनको कुछ आपके सामने रखने का प्रयास करूं. वैसे जो भी आपने शॉर्ट फिल्म देखी, यह बहुत हद तक उन सारी बातों को क्लैरिटी देता है और आप सब भी उन सारी बातों को समझ करके जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा और अपनी बातों को तीन तरीके में विभाजित करूंगा. पहला कि हाउ डिड आर्टिकल 370 केम इनटू एक्जिस्टेंस, व्हाट वाज द रीजन एंड हाउ इट केम इनटू एक्जिस्टेंस. नंबर टू, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 370 एंड व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ 370 इन जम्मू कश्मीर. एंड द थर्ड, how we are able to see to it that in the parliament we were able to abrogate article 370, what strategy was adopted which gave us the strength and the success in getting abrogated article 370 and 35A. pehle to hum aapki bhranti utarne ki koshish karenge, kyunki hum sab log jo hamare neta hain kashmir ke, chahe wo pdp ke hain, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं, वो हमेशा कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर एंड आर्टिकल 370 गिव्स अस द स्पेशल स्टेटस. संविधान में अगर आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 370 में बिल्कुल उसके साइड में ही लिखा हुआ है दैट द चैप्टर इज नोन एज टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल क्लॉजेस एंड आर्टिकल्स. So it is not a special status. It is temporary and transitional. Or transitional mein aata hai article 370. Yani this has got nothing to do with special thing. It is only to be implemented for a short period of time. Or a short period of time ke liye iska hum prayog karte hain. Waise jo baat is article mein jo Maharaja Hari Singh ke saath jo accession hua, to इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज कंप्लीट. जो 562 राज्यों के साथ एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट था वही जम्मू कश्मीर पर भी लागू हुआ एंड द एक्सेशन वॉज कंप्लीट. इसलिए उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी. यह आर्टिकल 370 का इरप्शन कहां से हुआ? यह आर्टिकल 370 का इरप्शन इस बात से हुआ कि जवाहरलाल नेहरू शोड स्पेशल इंटरेस्ट टू जम्मू कश्मीर, जैसा कि अभी बताया गया.